बैंक्वेट हॉल होते हैं जिनमें शादी होती है, उनमें एक एक हजार बच्चों को बिठा के पेपर रटवाया गया दो दो तीन तीन दिन पहले। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि इस तरह से पेपर लीक हुआ। तो ये भर्ती बोर्ड था कहाँ? मतलब अगर ये ऐसा होता है कि भी इन्होंने जैसा कहा था कि हम पेपर लीक के लिए प्रतिबद्ध हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए, क्या इसमें कोई बड़े लोग शामिल थे जिनको बचाने के लिए भर्ती बोर्ड ने कोई आवाज नहीं उठाई, या भर्ती बोर्ड का कोई हाथ था जिसने कोई अपना कोई कार्यवाही नहीं की उस पर? तो ऐसे ही मेरे पास कुछ सबूत हाथ लगे, तब नहीं थे वो, आज ही कल वो सबूत हाथ लगे, और कल ही ये मैटर था कि जो 1000 लोग ये थे। अब आप सोच रहे हो कि सर अब ये भर्ती बोर्ड के अब तो पेपर री एग्जाम है, पेपर कैंसिल हो गया, अब क्यों आप इतनी वीडियोस बना रहे हो? तो मैं उन बेवकूफ लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पेपर तो आगे भी होना है ना। अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, ये लोग नहीं पकड़े गए, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इस बार चुनाव था, 50 लाख बच्चों के परिवारों की वोट थी, सरकार ने कैंसिल भी कर दिया, आगे क्या गारंटी है कि वो कैंसिल नहीं करे? 2021 वाली भर्ती में साफ सबूत है हजारों की संख्या में कि कितने बड़े लेवल पर चीटिंग हुई। क्या वो भर्ती पर कुछ एक्शन लिया गया? कैंसल तो छोड़ो, जांच तक नहीं कराई गई। जो पकड़े गए उन पे क्या कार्रवाई हुई, किसकी चार्जशीट लगी, कितने जेल गए, किनको सजा मिली, आपको किसी को नहीं पता है। वो दो 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 चार चार पांच पांच दिन में जमानत लेके बाहर है, कहां सुनवाई हो रही है, क्या उस पर कार्रवाई, किसी को नहीं पता। वही लोग दोबारा से चीटिंग कर रहे हैं, इवन जो सिलेक्टेड है वो चीटिंग करा रहे हैं। तो अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं सब व्यूज के लिए करता हूं, तो मां सरस्वती की कृपा से तुमने पेपर 17-18 फरवरी से देखा होगा, खूब व्यूज थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में व्यूज किसी चीज से कम नहीं थे, पढ़ाने से 12-12 घंटे 6-6 घंटे की व्यूज, अच्छे असली व्यूज तो वो होते हैं। तुम क्या सोचते हो ये इन वीडियो से व्यूज मिलते हैं? ऐसे इनका कोई फायदा नहीं होता, असली व्यूज होते हैं जो पढ़ाने से मिलते हैं। अरे बेवकूफो, ये तो मैं अपना चैनल अपनी जान दांव पे लगा दूं तुम्हारे लिए कि कोई आवाज कहीं नहीं उठाएगा। ये जो तुमने 50-60-12 मिलियन का चैनल किया है, इसका एक तुम्हें फायदा पहुंचाता हूं, ये तुम्हारे फायदे के लिए तो तुमने किया था, केवल पढ़ने के लिए किया था। इसलिए तो किया था कि कल को अगर कहीं पर कोई हमारे साथ अन्याय हो तो हमारा कोई खड़ा हो। किसके लिए करता हूं ये? मैं अपने लिए नहीं करता कि अरे भाई मुझे व्यूज तो मेरे तो पढ़ाने से आ जाते हैं, मैं भी 6 घंटे की क्लास रात को लगा लूं, ऐसी ऐसी 50 वीडियो के बराबर व्यूज पेल दूं, और मुझे वो वीडियोस प्यारी होती हैं पढ़ाने। तो मैं कभी जिंदगी में नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे मौके पर आऊं। क्यों आता हूं कि कल को अब ऐसे लाखों बच्चे जिन्होंने चीटिंग करी है, हजारों की संख्या में भी हुए, वो क्यों एग्जाम दे बताओ? एक भी कारण बता दो कि वो लोग भी एग्जाम दें। ये जो 1000 पकड़े गए, ऐसे ऐसे कई हजार होंगे, इन सब का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, इन्हें ये जेल में जाने चाहिए, तभी तो लोग डरेंगे पेपर लीक कराने से। नहीं तो ये फिर पे आपके तो अगली भर्ती में भी शामिल हो जाएंगे, री एग्जाम भी देंगे, फिर आप में मेहनत करके और चीटिंग करने वाले में क्या फर्क रहा अगर चीटिंग करने वाले को सजा नहीं मिली? और सजा के लिए चाहिए सबूत, क्या गारंटी है कि भाई दोबारा पेपर लीक नहीं होगा या आगे पेपर लीक नहीं रुकेंगे? ये तो हमने एसआई में भी सोचा था। तो बाबू ये मैं खड़ा रहता हूं तुम लोगों के लिए, ये मुझे खुशी नहीं मिलती जो तुम उल्टा सीधा सुना देते हो। रे तो चैनल चला जाएगा, तू बनाया भी तो तुम ही ने था। अन्याय के लिए आवाज उठा रहे, अन्याय के विरोध में न्याय के लिए। हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब ने, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, गांधी जी ने आवाज उठाई थी, सुभाष जी ने। अरे तो वो न्याय के लिए तो आवाज उठाते थे, आईएएस वाईएएस छोड़ के, इतने इतने बड़े अपने धंधे पानी छोड़ के तुम लोगों के लिए, गरीब मजलूम के लिए क्यों उठाते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस जी को जरूरत थी आईएएस छोड़ने की? क्या जरूरत थी गांधी जी को इतना वकालत बढ़िया छोड़ने की? क्या जरूरत थी बाबा साहब को इतनी बढ़िया बढ़िया डिग्री लेके, कितनी भी बढ़िया नौकरी करते, अपना अमीर बनते? तुम्हारे लिए ना कि तुम्हारी भविष्य की पीढ़ी कहां जाएंगी, उन्हें अपना ख्याल नहीं था, वो तो नींव थे देश की, उन्हें तुम जैसों का ख्याल था कि भविष्य हमारे देश का सुरक्षित हो। वो भविष्य के लिए कर रहे थे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। वो एक लुंगी में रहे, क्या किया गांधी जी ने? भगत सिंह जी कितने कम आयु में फांसी चढ़ गए, अच्छे परिवार से थे, विदेश जाके पढ़ाई कर सकते थे, उनके परिवार में इतना सामर्थ्य था, विदेश भेजना चाहता था। तुम्हारे लिए ना बाबा साहब दो दो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री विदेशों में से लेके आके, फिर भी तुम्हारे लिए वो कैसे कष्ट सहे, दुख सहे, यही ना कि भविष्य की पीढ़ी सुधरे।
आज जो हम लोग कर्म करेंगे, तुम तो अपना पेट बस, हमारा दो रोटी मिले, हमें मिले, बाकी भाड़ में जाए। कुछ भविष्य के लिए भी नींव रखा जाता है, और इस अन्याय की दुनिया में न्याय के लिए आवाज उठाई जाए तो उसको सशक्त तरीके से आवाज दो, साथ खड़े होकर आवाज दो। उन पूर्वजों का मान रखो, उनकी विरासत का मान रखो। तुम ना रख पाओ, मैं तो रखूंगा, चाहे उसमें अंत में तुम भी वहीं जाओगे ऊपर, मैं भी वहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं मैं पहले भी चला गया तो क्या है, केस थोड़ी ना कि तुम परमानेंट रहोगे यहां पे। आवाज है, आवाज उठाएंगे गलत के खिलाफ मरते दम तक। उसी क्रम में कुछ सबूत हाथ लगे मेरे पास, बहुत स्ट्रांग सबूत है, आप सुनकर चौंक जाओगे। जैसे और देखो, कोई भी लड़ाई होती है ना, सबूतों के आधार पर लड़ी जाती है। आपने क्या सोचा कि पेपर आपके डर से कैंसिल किया है सरकार ने, आपसे खौफ खा के किया है? सबूत स्ट्रांग थे, सबूतों ने तो झुकाया ना, तो पहले सबूत इकट्ठे किए गए थे, तब पता चले तो पेपर लीक कहां से हुआ, प्रिंटिंग से। अब और तगड़े सबूत हाथ लगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके कमेंट्स में रात की 9 बजे की क्लास का एक लिंक है, ऐसे सबूत हाथ लगे कि जिन लोगों की जांच होनी चाहिए, अगर तुम लोग पीछे हटे या साथ नहीं आए तो हम ये जांच नहीं करा पाएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते रहेंगे, चोर भर्ती होते रहेंगे। सोचो 1000 बच्चे एक लॉन में बैठा के किसी का खौफ नहीं, पेपर रटवा रहा है व्यक्ति 2 दिन पहले एग्जाम से। और शुरुआत में तो तुम्हें भ्रामक ही बता दिया था, शुरुआत में तो तुम्हें राजनीति से प्रेरित बता दिया था। भला हो कि तुम्हारे पास स्ट्रांग सबूत थे, तो गलती हो कहां रही है, कोई तो इसमें बड़ा शामिल है। तो आज रात 9 बजे आप सभी लोग लाइव आइएगा इस बात को जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में सर, और मैंने जब भी तुम्हें लाइव बुलाया कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया होगा, स्ट्रांग सबूत दिए होंगे जिससे तुम अपनी बात मजबूती से। हमें इस पूरे ग्रह को खत्म करवाना है, इन सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने, जितने भी पेपर लीक में शामिल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे वो दलाल हो जिसने पेपर लीक कराया, चाहे मुख्य हो, चाहे वो उसने पेपर फॉरवर्ड किया हो पैसे के लिए, उन सबको तुम साथ दोगे नहीं दोगे क्लियर कर दो। तुम्हें सुनाना यही सुना के खत्म करो, पर मैं आवाज उठाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं आवाज उठाने से। तो भर्ती बोर्ड से संबंधित अब उसमें कौन कितने बड़े लोग हैं वो सरकार जाने, जो जांच कर रहे हैं वो जाने, खुद ही आरोपी खुद ही जांच, मेरा तो समझ में आता नहीं है। तो आज रात 9 बजे इसी वीडियो के लिंक है यहां पर, जो ये वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, इसी वीडियो यूपी कांस्टेबल यहां से हुआ था, बहुत स्ट्रांग सबूत है, आपको समझ में भी आएगी और आपका थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, जो ऐसे आंख बंद करके भरोसा करते हो ना वो भी। तो क्या आज रात को 9 बजे आप आओगे? दूसरी बात, अगर कहीं पर अभी आपने यूट्यूब पर और ट्विटर पर क्या देखा होगा, फालतू की बातों पे लोग लड़ रहे हैं, जिसका कोई एक अच्छे छोटे भाई बहनों की तरह, छोटे भाई बहनों को जो अच्छा ज्ञान देना चाहिए उसकी जगह बहुत अजीब अजीब चीजों पर, और वो लोग उनका वो देखोगे तो वो एक चीज को करोड़ों तक पहुंचा देते हैं 1 घंटे में। हम लोग अन्याय के विरुद्ध, मैं जानता हूं कि इस कलयुग में अन्याय के विरुद्ध जब लड़ाई होती है तो न्याय अकेला पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब सतयुग या त्रेता युग था, द्वापर युग था, तो न्याय के लिए हजारों लोग होते थे, भगवान भी होते थे। धर्म के लिए, धर्म मतलब यहां पे कहने करते हैं न्याय, सही बात के लिए। द्वापर युग में कृष्ण जी लड़े पांडवों की ओर से, मतलब उनका साथ दिया। त्रेता में भगवान श्री राम स्वयं लड़े अन्याय के विरुद्ध। कलयुग में